अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बारे में आप सभी जानते होंगे। मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद को हटवाकर एक बार फिर से भगवान राम को उनके स्थान पर विराजमान किया गया था। पहले तो इस मामले में बहुत विवाद हुआ, लेकिन फिर ये सामने आया कि यहाँ पहले राम मंदिर ही था, जिसका प्रमाण भारतीय पुरातत्व विभाग ने दिया। इसके बाद कई जगहों पर ऐसा पाया गया कि कुछ विशेष समुदाय की इमारतें असल में मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, जिसके खिलाफ कोर्ट में कई याचिकाएं दर्ज हुई। अभी हाल ही में एक हिंदू संगठन ने ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाने की मांग की थी। उनका कहना था कि इन कमरों में हिंदू संस्कृति से जुड़े कुछ अवशेष मिलने के आसार हैं। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि हम ऐसे ही किसी के कहने पर ऐतिहासिक इमारतों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो वहीं भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी ये साफ कर दिया कि इन कमरों में कोई रहस्य नहीं है और ये ताजमहल का ही हिस्सा है। इस मामले के बाद बीते कुछ दिन पहले ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। ये मामला है वाराणसी का, जहां ज्ञान व्यापी मस्जिद के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद शिव के मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, लेकिन ये मामला अभी सामने नहीं आया है। दरअसल पिछले साल 18 अगस्त को कोर्ट में 5 महिलाओं ने एक याचिका डाली थी। उनका कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में माँ श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान, आदि विश्वेश्वर, नंदी जी और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएँ हैं। ये सभी देवी देवता प्लॉट नंबर 9130 पर मौजूद हैं, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटा हुआ है। उनकी मांग थी कि इन प्रतिमाओं की पूजा करने की इजाज़त हिंदू भक्तों को दे दी जाए। इसको लेकर कोर्ट कमिश्नर ने मस्जिद परिसर का सर्वे करने के आदेश दिए थे, लेकिन ये अब तक होने नहीं दिया गया और अब इस सर्वे को अंजाम दिया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग बीते शुक्रवार से मस्जिद का सर्वे कर रहा था। पिछले शुक्रवार से शुरू हुआ ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे सोमवार को ख़त्म हो गया और सर्वे के अंतिम दिन में मंदिर में विराजमान नंदी बैल के सामने एक कुआ है जो मस्जिद के अंदर आता है। उस कुएं का निरीक्षण किया गया तो उसमें एक 12 फीट 8 इंच लंबा शिवलिंग मिला है। इस शिवलिंग की फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से फैली, जिसके बाद हिंदू पक्ष काफ़ी खुश नज़र आया। वहीं मस्जिद परिसर का कहना है कि ये शिवलिंग नहीं है बल्कि एक फव्वारा है। उन्होंने कहा कि मुगलों द्वारा बनाए गए सभी मस्जिदों में फव्वारे लगाए गए थे और ये भी उन्हीं में से एक है। लेकिन इसका सच क्या है वो तो पुरातत्व विभाग और कोर्ट ही तय कर सकता है, जिसके बाद मंगलवार को पूरे सर्वे की रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट दोनों में सुनवाई हुई। वाराणसी कोर्ट में सर्वे को लेकर सुनवाई की गई, जिसकी याचिका हिंदू पक्ष ने डाली थी, और सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई याचिका पर सुनवाई हुई। वाराणसी कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सर्वे कमिश्नर को हटा दिया, क्योंकि उन पर सर्वे की जानकारी लीक करने के आरोप लग रहे थे। इसके बाद वाराणसी कोर्ट की सुनवाई में यह आदेश जारी हुए कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस जगह पर किसी का भी जाना प्रतिबंधित होगा, ताकि किसी भी अवशेष के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जा सके। मुस्लिम समुदाय बस मस्जिद के अंदर जा सकता है, लेकिन कुएं के पास सभी का जाना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी वाराणसी कोर्ट के फैसले पर ही अमल करने के आदेश दिए और अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर विवाद से जुड़ी ये थी हमारी खास रिपोर्ट। अब इस मामले पर क्या फैसला निकल कर आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसे जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।